नमस्कार फ्रेंड्स, अभी जो आप लोग मेरे हाथ में ये फ़ोन देख रहे हैं ये आईटेल का 2163 मॉडल है फ्रेंड्स। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं फ्रेंड्स। इसमें देखिए, हम कोई भी चार्जर प्लग नहीं किए हैं, फिर भी मेरा यहाँ पे चार्जिंग का सिंबल शो कर रहा है, यानी ऑटो चार्जिंग हो रहा है फ्रेंड्स। तो इस प्रॉब्लम को किस प्रकार से रिपेयर करेंगे फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे। सबसे पहले हम इसको ऑन करके भी एक बार देख लेते हैं कि ये मेरा प्रॉब्लम ख़त्म होता है या नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए ऑटोमेटिक चार्जिंग, यहाँ कोई भी चार्जर प्लग नहीं है, फिर भी चार्जिंग लिख के आ गया। और यहाँ पे देख सकते हैं, और फ्रेंड्स जब इसका हम बैटरी निकाल करके लगाते हैं तो ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है और फिर से चार्ज होने लगता है फ्रेंड्स। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। यहाँ देखिए बैटरी मैंने अब इसका निकाल दिया, और प्लग करने के बाद डायरेक्ट ये ऑन हो जाता है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये ऑन हो गया और फिर से चार्ज होने लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर गवाए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और इसको जल्दी से हम खोल करके दिखाते हैं। ये प्रॉब्लम फ्रेंड्स ज़्यादातर हाफ शॉटिंग के वजह से भी हो जाता है। और फ्रेंड्स ये इसका जो है मेन प्रॉब्लम कहाँ से आता है सब कुछ मैं इस वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, और हो सके फ्रेंड्स तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि इस तरह का देसी टेक्निकल वीडियो आपसे मिस ना हो। चलिए इसको हम खोल लेते हैं। शायद इसके अंदर भी नट होगा, तो इसको हम इसका जो है यहाँ से निकाल करके देख लेते हैं। नहीं, सिर्फ लॉक लगा हुआ है, ऐसे ही खुल जाएगा। इसका लॉक थोड़ा सा हार्ड है तो चिमटी से निकालना पड़ेगा। देख सकते हैं निकल गया, और यहाँ इसको भी इस तरीका से निकाल देते हैं। और देख सकते हैं फ्रेंड्स बोर्ड का कंडीशन, इसमें थोड़ा सा डस्ट पड़ा हुआ है यहाँ पे इस एरिया में, तो सभी को हम थिनर की मदद से क्लीन करेंगे। सबसे पहला काम यही होगा, इस तरीका से इसको हम क्लीन कर लेते हैं। आपको पूरे बोर्ड को अच्छी तरीका से क्लीन करना है फ्रेंड्स। चलिए मेरा क्लीन हो चुका है, थोड़ा सा हॉट गन इसको दिखा देते हैं। अब एक बार चेक करके देखते हैं फ्रेंड्स। देख सकते हैं फ्रेंड्स, अभी भी मेरा प्रॉब्लम वही शो कर रहा है। देख सकते हैं अभी भी मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तो ये प्रॉब्लम कहाँ से आता है फ्रेंड्स, चलिए हम अब देख लेते हैं। ज़्यादातर फ्रेंड्स इस मॉडल में ये जो प्रॉब्लम आ रहा है फ्रेंड्स, यहाँ देख सकते हैं, जूम करके आपको हम दिखा देते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे ये देख सकते हैं R0068 करके एक रजिस्टर लगा हुआ है फ्रेंड्स। इस रजिस्टर की वजह से ये प्रॉब्लम आते रहता है। यहाँ देख सकते हैं, तो सबसे पहला काम मेरा यही होगा कि इस रजिस्टर को यहाँ से हम रिमूव करके देखेंगे, और हो सके तो फ्रेंड्स किसी दूसरे बोर्ड से यहाँ पे आप लगा सकते हैं। तो पहले रिमूव करके देख लीजिए, आपका वैसे अगर काम हो जाता है तो नहीं भी लगाइएगा तो आपका काम हो जाएगा। अगर आपका फिर से भी अगर नहीं हो रहा है तो किसी दूसरे बोर्ड से आपको लगाना ही पड़ेगा।
तो चलिए हम इसको निकाल करके साइड में फिलहाल रख देते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम फिर से इसको लगा लेते हैं और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। इसको हम ऑन करके भी देख लेते हैं, अब ये ऑन हो रहा है देख सकते हैं। अब फिर से इसको हम चार्ज में लगा करके भी चेक करेंगे कि मेरा चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए हम चेक कर लेते हैं, देखिए फ्रेंड्स चार्ज भी मेरा होने लगा। अब इसको ऑन करके देख लेते हैं। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, इसी तरह का देसी टेक्निकल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें फ्रेंड्स। धन्यवाद वंस अगेन, जय हिंद।